फटाक यानी 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। दिल्ली और देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए आज से वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और 3 जनवरी को अब 15 से 18 वर्ष के जो एज ग्रुप है उसमें बच्चों को वैक्सीन लगाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम दिल्ली के बीएलके अस्पताल में हैं जहां पे वैक्सीन सेंटर को तैयार किया जा रहा है ताकि 3 तारीख से यहां पे जो नया एज ग्रुप है वैक्सीनेशन का 15 से 18 वाला, उनको वैक्सीन दिया जा सके। हमारे साथ हैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बीएलके हॉस्पिटल के डॉक्टर सुहास परनामी। सर, क्या तैयारियां हैं, क्या एसओपी क्या होगा इस वैक्सीन को देने के लिए? हमने यहाँ पे जो प्रिपरेशन की है, हम बीएलके अस्पताल वैसे भी जनवरी से जब से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है हम कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पूरा इंतज़ाम है और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि बच्चों को भी अब वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है, जो पहले भी था हमने उसको और थोड़ा सा और पुख्ता कर दिया है ताकि बच्चों के लिए थोड़ा कम्फर्टेबल रहे। और हमने यहाँ पे सारे साधन अप्लाई कर दिए हैं जिसकी वजह से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी और उनके पेरेंट्स भी साथ में आएंगे तो वो भी थोड़े कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आप थोड़ा हमें चल के दिखा भी सके किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन, हमें पता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रजिस्ट्रेशन है, आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में, तो सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क में जो अपॉइंटमेंट लिया हुआ है या जिसने नहीं भी लिया हुआ है वो ऑनलाइन जो वॉक इन आएंगे तो वो यहाँ पे सीधा आएंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के वेरिफिकेशन करा के अपने उस टोकन का वेट करें, अपने लिए वेट करेंगे। तो जब वेटिंग कर रहे होंगे उसके बाद वैक्सीनेटर उनको कॉल करेगा, वैक्सीनेशन होगी और फिर आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड है। तो कुल मिला के जैसे अब तक कोविशील्ड या कोवैक्सीन का जो प्रक्रिया था वही होगा, बच्चों में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। बस यही एक डिफरेंस है कि बच्चों के लिए जो वैक्सीन अलाउ की गई है वो है कोवैक्सीन। सो कोविशील्ड नहीं होगी बच्चों के लिए, 15 से 18 के लिए कोवैक्सीन ही होगी। ठीक है, और 3 तारीख से यहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जी 1 तारीख से आज स्लॉट बुक करना शुरू कर सकते हैं लोग, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर सकते हैं और पोर्टल पे साइट्स पे जाके, और 3 तारीख से यहाँ पे आके अपने अपॉइंटमेंट के हिसाब से वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। एक और सवाल, क्योंकि ये कई लोगों के जहन में होगा, हालांकि हमें पता है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस तो दोनों सेम होने वाला है, लेकिन क्योंकि ये बच्चों का मामला है पेरेंट्स थोड़े ज्यादा अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो क्या कोई प्रिकॉशन है, किसी तरह का खान पान का बदलाव करना है वैक्सीन लगवाने के पहले या बाद में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गाइडलाइंस है वो सिर्फ सेम है जैसे पहले सब लोगों के लिए थी, जिस एज ग्रुप के लिए थी बच्चों के लिए भी ऐसी है, और घबराने की इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि जब डिसाइड हुआ है कि ये वैक्सीनेशन अब 15 से 18 साल वालों को दी जा सकती है, इसका मतलब है कि एक्सपर्ट्स ने उस पर अपना ठप्पा लगा दिया है कि ये बिल्कुल सेफ है बच्चों के लिए। तो कोई ऐसा कुछ अलग कुछ करने की जरूरत, स्केप्टिकल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये दिल्ली की तस्वीर है जहां पे वैक्सीनेशन सेंटर बच्चों के लिए 15 से 18 साल के उम्र का जो एज ग्रुप जो है उसके लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। 3 तारीख से यहाँ पे कुछ इस तरह से वैक्सीन लगाया जाएगा। हालांकि इस वक्त जो 15 से 18 एज ग्रुप के लिए वैक्सीन होंगे वो सिर्फ कोवैक्सीन का होगा। साथ ही डॉक्टर्स इस बात को लगातार कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, भले ही बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस अब शुरू हो रहा है, लेकिन क्योंकि इसको प्रॉपरली ट्रायल और इसका टेस्ट हो चुका है इसलिए घबराने की बात नहीं है, और तमाम जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स थे पहले एडल्ट्स के लिए वैक्सीन के, वही प्रोटोकॉल्स बच्चों पे भी लागू होंगे।